हेलो फ्रेंड, आरवी कृषि में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड? आज हम बनाएंगे प्रोटीन पाउडर। फ्रेंड फ्रेंड जो हम लोग मार्केट से प्रोटीन पाउडर लाते हैं उससे ये प्रोटीन पाउडर बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड। और फ्रेंड ये बनाने में भी बहुत ईजी है फ्रेंड। आप इसको बनाकर 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड हम लोग अपना प्रोटीन पाउडर बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए लिया मखाने के अलावा बादाम, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 4 छोटी इलायची है फ्लेवर के लिए और 1/2 टुकड़ा सौंठ है फ्रेंड। फ्रेंड सौंठ बहुत ही अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए, मैंने 1/2 टुकड़ा सौंठ लिया है। अब फ्रेंड हम बादाम को और तिल को अलग कर लेते हैं। मखाने के अलावा फ्रेंड हमको हल्का सा भूनना है फ्रेंड। आप लोग को तो पता ही है कि मखाने में कैल्शियम भरपूर मात्रा में रहता है और एंटी ऑक्सीडेंट भी इसमें मिलता है फ्रेंड, तो इसलिए हमें मखाने का सेवन ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड। फ्रेंड इसको खाने से हमारे शरीर की कमजोरी जो होती है, जो हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है या नींद नहीं आता है या थकावट होता है या खून की कमी, ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी फ्रेंड। फ्रेंड अगर आप इस प्रोटीन पाउडर को डेली सुबह शाम 1 चम्मच दूध में मिलाकर पिएंगे तो आपके शरीर की सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अपना प्रोटीन पाउडर बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड मैंने गैस पर कढ़ाई रखा है, कढ़ाई में हम डालेंगे तिल। फ्रेंड इसमें घी या रिफाइंड कुछ भी नहीं डालना है, तिल को ऐसे ही भूनना है और इसको फ्रेंड मीडियम फ्लेम पर भूनना है हल्का सा। ये देखिए फ्रेंड हमारा तिल भून चुका है। अब इसको हम लोग एक बर्तन में निकालेंगे। फिर मैंने दोबारा वही बर्तन लिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल। फ्रेंड ये देखिए फ्रेंड मैंने इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे मखाने के अलावा और फ्रेंड इसको हल्का सा हमें भूनना है फ्रेंड। फ्रेंड अगर आपका मखाना कुरकुरा हो तो आप लोग उसको मत भूजिएगा। मेरा मखाना का जो लावा है बहुत सॉफ्ट था इसलिए मैंने इसको भुना है। इसको भुना ज़रूरी नहीं होता है फ्रेंड, अगर आपका कुरकुरा रहेगा तब तो मत भूनिएगा उसे। देखिए फ्रेंड हमारा मखाना जो है भुन चुका है फ्रेंड। अब इसको हम लोग एक बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारा मखाना जो है भुन चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारे मखाने का लावा जो है ठंडा हो गया है। अब फ्रेंड मैंने बादाम को 2 हिस्सों में काट लिया है। फ्रेंड अगर बादाम खड़ा रहता है तो मिक्सर ख़राब होने का चांस रहता है, इसलिए मैंने बादाम को 2 भागों में काट लिया है। अब फिर हम लोग एक मिक्सर जार में इसको डालेंगे। फिर मैंने आधे मखाने को मिक्सर के जार में डाला है, आधे को मैंने यहाँ पर रखा है फ्रेंड। फिर हम मखाने का महीन पाउडर बनाएंगे। ये देखिए फिर मैंने मखाने को एकदम महीन पीस लिया है फ्रेंड। ऐसे ही फिर हम सारे मखाने को पीसेंगे और बादाम को भी पीसेंगे। ये देखिए फिर हमारा मखाना के अलावा तिल, बादाम, इलायची, सौंठ का पाउडर तैयार हो गया फ्रेंड। इसको एक बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए फिर मैंने मखाने के अलावा बादाम, इलायची, तिल और सौंठ के पाउडर को निकाल दिया। अब इसको हम लोग मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है फ्रेंड। फ्रेंड अब आप इसको एक एयर टाइट डब्बे में बंद कर रखना है फ्रेंड। फ्रेंड अगर आप इसको बनाकर फ्रेंड आप इस पाउडर को बनाकर 2 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं फ्रेंड। अब फ्रेंड मैं आपको इसको पीने का तरीका बताऊँगी फ्रेंड कि कैसे इसको पीना है फ्रेंड। फ्रेंड पीने को तो सभी लोग इसको अच्छे से पीते हैं दूध में डालकर, लेकिन फ्रेंड जिस तरह से मैं बताऊंगी अगर आप वैसे पियेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा फ्रेंड और आपके शरीर की सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग इसके आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं कि इसको कैसे पीना है, हम लोग इसका सुबह साफ कैसे सेवन करेंगे। मैंने लिया है 1 गिलास दूध, हम इसको उबालेंगे फ्रेंड। फ्रेंड मैंने 1.5 गिलास दूध लिया है, 1 गिलास और थोड़ा सा ज़्यादा लिया ताकि हम दूध उबालेंगे तो दूध थोड़ा मेरा कम हो जाएगा, इसके लिए मैंने दूध थोड़ा बढ़ा कर लिया है। अब फ्रेंड हम लोग इसको उबालेंगे। उसके बाद फ्रेंड हम इसमें डालेंगे अपना प्रोटीन पाउडर फ्रेंड। फ्रेंड मैं जैसे बता रही हूँ वैसे अगर आप लोग इस प्रोटीन पाउडर का सेवन करेंगे तो आपको 1 हफ्ते में इसका फ़र्क दिखेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड हम लोग पहले दूध उबालते हैं। फ्रेंड हमारा दूध जो है उबल रहा है, इसमें डालेंगे हम चीनी, 1/2 चम्मच फ्रेंड हल्दी पाउडर। फ्रेंड हम चीनी को भी और हल्दी को भी उबालेंगे फ्रेंड। फ्रेंड हल्दी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है और इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है तो फिर आप लोग हल्दी का भी दूध जरूर पिया करिए। ये देखिए फ्रेंड हमारा जो हल्दी वाला दूध है एकदम उबल चुका है। अब उसमें डालेंगे अपना प्रोटीन पाउडर। फ्रेंड मेरा दूध 1 गिलास है तो मैं इसमें 2 चम्मच डालूँगी प्रोटीन पाउडर। अब फ्रेंड हम इसको अच्छे से मिलाएँगे। फ्रेंड इसको 1 उबाल आने तक हम लोग को पकाना है। ये देखिए फ्रेंड हमारा दूध जो है उबल चुका है, अब निकालेंगे 1 गिलास में इसको। ये देखिए फ्रेंड मैंने दूध को 1 गिलास पर निकाल लिया है। अब इसमें ऊपर हम डालेंगे बादाम। फ्रेंड आप चाहे तो बादाम ऊपर से डालिए नहीं तो मत डालिए, ये आपके ऊपर है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड। फ्रेंड आपको इस प्रोटीन पाउडर को बनाकर सुबह नाश्ते से 1/2 घंटा पहले पीना है और रात को फ्रेंड सोने से 1/2 घंटा पहले पीना है फ्रेंड।
मतलब रात में जब आप खाना खा लेंगे तो उसके आधे घंटे बाद पी लीजिए, और सुबह में जब नाश्ता करते हैं तो उसके आधे घंटे पहले पीजिए या आधे घंटे बाद पीजिए। फ्रेंड अगर आप एक हफ्ते इस प्रोटीन पाउडर को पी लिए तो आपको खुद फर्क समझ में आएगा कि आपके शरीर की सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। खून की कमी, चक्कर आना, थकावट, नींद आना, फ्रेंड ये सारी बीमारियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। फ्रेंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और फ्रेंड इसको बनाकर आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।